नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग भारत की महान विभूति, उदार व्यक्तित्व, विराट प्रतिभा वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन वृत्त पर आधारित पाठ मदन मोहन मालवीय को पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसके प्रथम भाग को हम इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए हम लोग एक दृष्टि डालते हैं और समझते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है और पूर्व की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, भाग एक में हम पाठ से परिचित हुए थे। परिचय के बाद हमने पाठ का सारांश समझा था, जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमने भली प्रकार से समझा था। उसके बाद पाठ में निहित कुछ गद्यांशों का हमने अनुवाद भी पढ़ा था और समझा था। और बच्चों, संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, इसका भी एक उदाहरण, एक निदर्शन हमने अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। आइए बच्चों, एक दृष्टि हम आज की पाठ्य वस्तु पर डालते हैं और समझते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। इस भाग दो में हम मालवीय जी की गौरव गाथा से परिचित होंगे। राजनीति के मंच पर मालवीय जी का क्या व्यक्तित्व था, इसको हम विशद रूप से समझेंगे और अंततः अपने पाठ्यक्रम में निहित कुछ गद्यांशों का अनुवाद समझेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और मालवीय जी की गौरव गाथा से परिचित होते हैं। ये मालवीय जी की गौरव गाथा है, सत्यमेव जयते। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसको मालवीय जी ने उपनिषदों से उठा करके जनजीवन में सुगम बनाया, जनजीवन के जीवन में इसको लाया। सत्य की सर्वदा जीत होती है, यह मालवीय जी का मानना था। इसीलिए उन्होंने सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया। जब चौरी चौरा का कांड हुआ था, उसमें 170 लोगों पर मुकदमा चला था और उनको फांसी की सजा दी गई थी। जब इस घटना के बारे में मालवीय जी ने सुना, तो यद्यपि वो 20 वर्ष पहले अपनी वकालत की दुनिया छोड़ चुके थे, वकालत से वो दूर हो चुके थे, लेकिन इस घटना के बाद मालवीय जी ने जब ये देखा कि 170 लोग जो निरपराध हैं, वह फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, तो वह प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में गए और उनकी तरफ से वकालत की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो तर्क थे, वह अकाट्य तर्क थे। वह किसी के भी हृदय को स्पर्श करके रुला देने की सामर्थ्य रखते थे। उनके तर्कों से निरुत्तर होकर के जज ने 153 क्रांतिकारियों को अभय दान प्रदान किया, अर्थात उनको फांसी के फंदे से मुक्ति मिली। ऐसे महामना हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय 1885 से 1907 के बीच इन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया। ये पत्र हैं हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय। इन पत्रों का संपादन करते समय मालवीय जी का मन बहुत रमता नहीं था। वह एक महान शिक्षाविद थे,
वह मानते थे कि भारतीयों के पिछड़ेपन का जो सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख कारण है वह है उनका अशिक्षित होना। तो उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में गंगा के तट पर सन 1916 में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या और विज्ञान दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। वह जानते थे कि भारतीय धर्म और संस्कृति के आधार पर अवस्थित विज्ञान भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, इसीलिए उन्होंने विज्ञान की आधारशिला दृढ़ रूप से स्थापित हो उन्होंने तत्कालीन वैज्ञानिक आचार्य पीसी राय, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी को विशेष आमंत्रण देकर के बुलाया। मालवीय जी जन नेता थे। जब मालवीय जी ने देखा कि भारतीयों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उन पर अत्याचार करने के लिए बहुत सारे काले कानून बनाए गए हैं, तो उन काले कानूनों के विरुद्ध मालवीय जी ने जन आंदोलन चलाया। मालवीय जी प्रत्येक प्राणी को ईश्वर की संतान मानते थे। वह जन्म के आधार पर भेदभाव हो इस बात को मानने में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए समाज में जिनको अछूत कहा जाता था उनके लिए इन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया। एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात जब गांधी जी जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए मालवीय जी यरवदा जेल गए। वहाँ पर गांधी जी ने अपने मन की पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा कि महोदय, हमें अपने देश में व्याप्त छुआछूत की जो परंपरा है, जो भावना है और जो हमारे हरिजन हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मालवीय जी ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि महात्मा जी, आप परेशान ना हो, हमने अछूतों के उद्धार के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है। मालवीय जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दो प्रकार के दल थे, एक को नरम दल कहा जाता था और एक को गरम दल कहा जाता था। मालवीय जी दोनों दलों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। वह मध्यस्थता बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। मालवीय जी दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के प्रारंभिक नेताओं में से थे और ये सफल समाज सुधारक और सफल सांसद थे। जब मालवीय जी ने देखा कि भारत के धन को हड़पने के लिए, भारत को और गरीब बनाने के लिए अंग्रेजों ने उद्योग संबंधी बहुत ही काले कानून ला रखे हैं, तो उन्होंने उस को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए और इन्होंने तीन नियम बनवाए। मालवीय जी के द्वारा जो बनवाए गए नियम हैं वह है कि उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग हो, नए उद्योग स्थापित किए जाएं और उद्योगों से मिलने वाला मुनाफा देश में ही रहे, अर्थात देश का धन देश में ही रहे, देश का धन देश से बाहर न जाए। बच्चों, यहां हम देखेंगे कि राजनीति के मंच पर मालवीय जी, अर्थात मालवीय जी का राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीति में जाकर के इन्होंने किस प्रकार की देश सेवा की,
उनकी देश सेवा से हम परिचित होंगे और हम यहाँ पढ़ते हैं कि मालवीय जी का देश के लिए क्या योगदान रहा है। मालवीय जी ने 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में व्यवस्थापिका सभा विषय पर अपना गंभीर और विचारपूर्ण भाषण दिया। वहीं से वे राजनीति के मंच पर छा गए और इन्होंने लगभग 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की और कांग्रेस की सेवा करने के बहाने इन्होंने देश की सेवा की। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, जिसमें 1909 लाहौर अधिवेशन में, 1918 दिल्ली अधिवेशन में और 1932 कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर की स्थापना 1909 में की, जो प्रयाग से प्रकाशित होता था। 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तब इन्होंने उसमें भी सक्रिय भाग लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। अर्थात मालवीय जी देश के लिए जेल गए। मालवीय जी प्रयाग नगर पालिका बोर्ड में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे और 1903 से 1918 के दौरान ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 1910 से 1920 के बीच में ये सेंट्रल काउंसिल और 1916 से 1918 के दौरान ये इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य रहे। इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पद है, जो सदस्य होना है, वह वर्तमान में सांसद के तुल्य होता है। 1931 में ये गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। वहां पर इन्होंने अपने देश की स्थिति और देशवासियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया कि अंग्रेज इनकी प्रतिभा से और इनके भाषण को सुनकर के मुग्ध और प्रसन्न हो गए। मालवीय जी सफल समाज सुधारक थे। ये विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन करते थे तथा बाल विवाह का विरोध करते थे। मालवीय जी एक महान शिक्षाविद, सफल सांसद, सफल देशभक्त, सफल समाज सुधारक और यशस्वी व्यक्ति थे। 24 दिसंबर 2014 को उनकी 153वीं जयंती से एक दिन पहले उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। बच्चों, अभी तक हमने मालवीय जी की गौरव गाथा और उनका राजनीतिक सफर देखा। अब हम अपने पाठ्यक्रम में निहित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। इसके कुछ भाग को हम अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीं आंग्ल शासकैराक्रान्ते देशे चांग्ल भाषाक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचार कृतः। बच्चों,
सर्वप्रथम हम इन पंक्तियों का वाचन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनम कुर्वता, हिंदुस्तान पत्र का संपादन कुर्वता अर्थात करते हुए मालवीय महोदयेन, मालवीय महोदय द्वारा, तदानीम उस समय आंग्ल शासकैर आक्रांते देशे, आंग्ल शासकों द्वारा आक्रांत देश, च और आंग्ल भाषा क्रांतायाम शिक्षायाम और आंग्ल भाषा से आक्रांत शिक्षा, राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचार कृतः। जब मालवीय जी ने देखा कि उनका देश अंग्रेजों से आक्रांत है और उनके देश की शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी से आक्रांत है, तब उन्होंने पत्र संपादन करते समय ये उन्हें अनुभव हुआ था, तब मालवीय जी ने राष्ट्रीय भावस्य, राष्ट्रीय भाव का और हिंदी भाषायाश्च, हिंदी भाषा का दृढ़तया प्रचार कृतः, दृढ़ता से प्रचार किया। मालवीय जी को जब यह अनुभूत हुआ कि उनका देश अंग्रेजों से आक्रांत है और उनके देश की शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी से आक्रांत है, तब उन्होंने राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दृढ़तापूर्वक संलग्न हो गए और उसमें रम गए। हिंदुस्तान पत्र मतिरिच्चे तरेषाम अनेक पत्राणाम अपि संपादनम तेन कृतम, परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्ये आस्ताम, न्यायालयेषु हिंदी भाषायाः प्रयोग निर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानं विद्यते। हिंदुस्तान पत्र मतिरिच्चे तरेषाम अनेक पत्राणाम अपि संपादनम तेन कृतम, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त इतरेषाम दूसरे अनेक पत्राणाम अपि पत्रों का भी संपादनम संपादन तेन कृतम उन्होंने किया। परंतु सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्ये आस्ताम, सर्वत्र राष्ट्र सेवा राष्ट्र की सेवा और हिंदी भाषा की सेवा तस्य उनका मुख्य लक्ष्ये आस्ताम उनके मुख्य लक्ष्य में था। न्यायालयेषु न्यायालयों में भी हिंदी भाषाया हिंदी भाषा का प्रयोग निर्णय प्रयोग हो ऐसा निर्णय मालवीय महोदयस्य मालवीय महोदय का विशिष्टम अवदानम विशिष्ट अवदान विशेष योगदान विद्यते, यह उनका विशेष योगदान है कि न्यायालयों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो। मालवीय जी ने हिंदुस्तान के अतिरिक्त और अनेक पत्रों का भी संपादन किया, परंतु सभी जगह राष्ट्र की सेवा और हिंदी सेवा उनका मुख्य लक्ष्य था। न्यायालय में भी हिंदी भाषा प्रयुक्त हो इसके लिए मालवीय जी ने विशेष प्रयास और विशेष योगदान दिया। पत्राणाम संपादनावसरे प्रकटिता अस्य विचारा सुस्पष्टा गंभीरा युक्तियुक्ताश्चाभवन, अतः विरोधिनोपि तं प्रशंसन्ति स्म। आंग्ल शासकस्यालोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयमनुभूतवान् नापि संकोचं कृतवान् न दैन्यं न पलायनम् इति तस्य जीवनसूत्रमासीत्। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो नारमत,
गुरुजनानां परामर्शमनुसृत्यासौ एलएलबी कक्षायां पठितुम् आरब्धवान्, ससम्मानं च ताम परीक्षा मुदतरत। वाचन के उपरांत अब हम इसका अनुवाद करते हैं। पत्राणां संपादनावसरे, पत्रों के संपादन अवसर पर प्रकटिता प्रकटित अस्य विचाराः, प्रकटित इनके विचार, सुस्पष्टा सुस्पष्ट, गंभीरा गंभीर, युक्तियुक्ताश्चाभवन् युक्तियुक्त अर्थात उचित थे। अतः विरोधिनोपि विरोधी भी तम प्रशंसन्ति स्म, उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासकस्य आलोचनां कुर्वन्, आंग्ल शासक की आलोचना करते हुए मालवीय महोदयो न भयम् अनुभूतवान्, मालवीय महोदय ने भय नहीं अनुभूत किया, नापि संकोचम कृतवान् और ना ही संकोच किया। न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रमासीत्, न दीनता न पलायन उनके जीवन का सूत्र था, अर्थात विपत्ति आने पर न दीनहीन बन जाना और न ही उस विपत्ति से डर करके भाग जाना, पलायन कर जाना मालवीय जी के जीवन का सूत्र था। पत्र संपादन कर्मणि, पत्र संपादन कर्म में तस्य मनो न रमत, उनका मन नहीं रम रहा था। गुरुजनानां परामर्श मनुसृत्यासौ, गुरुजनों के परामर्श का अनुसरण करके असौ इन्होंने एलएलबी कक्षायां कक्षा में पठितुम् आरब्धवान्, पढ़ना प्रारंभ किया। ससम्मानं च ताम परीक्षाम् उदतरत् और सम्मान सहित ताम परीक्षाम् उदतरत् उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मालवीय जी जब पत्र का संपादन कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे पत्रों का संपादन किया। मालवीय जी के पत्रों के संपादन अवसर पर उनके जो विचार थे वह स्पष्ट और गंभीर थे, इसीलिए उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासक यदि बुरा कर रहे हैं तो उसकी आलोचना भी मालवीय जी स्पष्ट शब्दों में करते थे, और आलोचना करते समय मालवीय जी तनिक भी भय या संकोच का अनुभव नहीं करते थे। न दीनहीन होना है और न ही किसी समस्या से डर करके भाग जाना है, ये मालवीय जी का जीवन सूत्र था। पत्र संपादन में जब उनका मन नहीं लगा तब उन्होंने गुरुजनों के परामर्श से एलएलबी की कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया और सम्मान सहित उसकी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। एलएलबी पदव्याभिभूषितः सन् प्रयागस्थोच्च न्यायालये अधिवक्तृकर्म कर्तुं प्रारभत, स्वल्पैरेवाहोभिः न्यायालये न्यायक्षेत्रे च परां ख्यातिमवाप, मृषावादानासौ न स्वीकरोति स्म, अतः सत्यं प्रति तस्य दृढो विश्वासः अधिवक्तृकर्मनिरतां कृते अद्यापि आदर्शभूतः संतिष्ठते। एलएलबी की पदवी से विभूषित सन प्रयागस्थोच्च न्यायालय, प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्तृकर्म कर्तुम, अधिवक्ता के कर्म को करना प्रारभत प्रारंभ किया। स्वल्पैहि एव अहोभिः, स्वल्प थोड़े ही दिनों में न्यायालय न्यायालय में न्याय क्षेत्रे च न्याय के क्षेत्र में पराम ख्यातिमवाप,
बहुत ख्याति प्राप्त कर लिया। मृषा वादान असौ, मृषा झूठे वादान मुकदमों को असौ इन्होंने न स्वीकरोति स्म, इन्होंने नहीं स्वीकार किया, ये कभी झूठे मुकदमे नहीं लड़ते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वासः, सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास, अधिवक्त्र कर्म निरताम, अधिवक्ता के कर्म में निरत लगे हुए लोगों के लिए अद्यापि आज भी आदर्शभूतः संतिष्ठते, आज भी आदर्शभूत है, आज भी इनके कार्य अधिवक्ताओं के लिए आदर्श रूप में स्थित है। LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, LLB की पदवी प्राप्त करने के उपरांत मालवीय जी प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। थोड़े ही दिनों में न्यायालय में, न्याय क्षेत्र में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर ली और यह झूठे मुकदमे कभी स्वीकार नहीं करते थे, कभी नहीं लड़ते थे। सत्य के प्रति इनका दृढ़ विश्वास था और यह विश्वास आज भी जो अधिवक्ता कर्म में लगे हुए हैं उनके लिए आदर्श रूप में स्थित है। अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। ये पंक्तियां हैं, हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीं आंग्लशासकै राक्कान्ते देशे चांग्लभाषा क्रांतायां शिक्षायां राष्ट्रियभावस्य हिंदीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। प्रश्न नंबर 2, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 3, मदन मोहन मालवीय की राजनीतिक यात्रा को 5 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न नंबर 4, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।